आजकल बिजली कटौती हो रही है और ये कोबरे का बच्चा भी यहाँ चेक करने आ गए, उधर से बोलो, ये भी चेक करने आ गए। तो बिल्कुल अलर्ट ड्यूटी पे, आजकल गर्मी ज्यादा हो गई तो ये भी चेक करने आ गया कि जनरेटर क्यों नहीं चल रहा। अभी ये काफी गुस्से में है, अभी दो तीन महीने का बच्चा है। कितना गुस्सा, क्यों भागा पीछे? ये कितने गुस्से में है, उधर जा रहा है। बहुत कम सांप ऐसे गुस्से वाले होते हैं। इसको पलट दो। ये आगे तेरे पास, ये रहा, ये अरे ये आगे तेरे पैर पे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपने सुना होगा और आज आप देख भी लीजिए, काफी गुस्से में था और डंडा जरूर दिखाया भी गया उसको, ऐसा लग रहा है क्योंकि आप सांप इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आता। सांप को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, इनकी सूचना एक स्वाट को दें, वन विभाग को दें, हमें दें, आपसे हम छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। काफ़ी गुस्से में है, इसको भी इसके पकड़ लिया गया, अब इसको इसके प्राकृतिक कारण छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसका गुस्सा तो काफ़ी दिख कर रहा है। साथियों गर्मी और बारिश दो कारण हो रहे हैं इनके घरों में घुसने के लिए, चुहार मेंढक इनकी आसान शिकार है। इसको पकड़ तो लिया गया, अभी देखिए काफ़ी गुस्से में है ये, सुरेश अधिकारी लच्छीवाला। यहाँ पे जो है कुत्ता भूखने लगा, मैंने कहा बंदर आया होगा, तो हम उसी चक्कर में रहे कि बंदर को देख के भौंक रहा है ये, पर जब ज़्यादा देर हो गया तो भौंकना उसने कम नहीं किया, तो फिर मैं बाहर आया तो बाहर देखा तो जनरेटर के जो एविनी जनरेटर रखा हुआ था बाहर, कुत्ते को बांध रखा था वहाँ पे जो है वो भौंक रहा नीचे, मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
वहाँ पे देखा तो जब मैंने डंडे से जनरेटर को थोड़ा सा उठाया तो फों फों की आवाज़ आई। मैंने कहा ओहो ये तो नाग देवता है यहाँ पे। तो तब मैंने फिर इनको भरत भूषण जी को फोन करके उनको बुलाया। उन्होंने सांप पकड़ के जो है अपने कैद में कर लिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आजकल बिजली कटौती बहुत हो रही है और एक नाग भी बैठ गया था जनरेटर के पास जाकर कि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा है। अधिकारी परिवार लच्छवाला में कोबरा कर बैठ गया था, काफ़ी गुस्से में है। सामाजिक बुराइयाँ जहाँ पर आए वहाँ पर हम अपने सांप को छोड़े। इसमें भी जहर है और इसमें भी जहर है, दोनों जहर का कारण है। ये शराब लोग पीते हैं यहाँ पर, अब उसको इसी जगह पर छोड़ा जाएगा। साथियों ये देखेंगे कैसे आराम से जाता है, गुस्से में जाता है, हमें धमका कर जाता है, प्यार से जाता है, ये इसको देखा जाएगा। क्योंकि वहाँ पर तो बहुत गुस्से में निकल के आया था उस परिवार द्वारा, इसके बाद छेड़छाड़ कर दी गई थी। साथियों उस परिवार द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी, काफ़ी गुस्से में था। अब हम उसको इसके प्राकृतिक का छोड़ देंगे, जंगल भी है और ये यहाँ आराम से रहेगा भी। देखिए क्या ना, भी देखिए ये हमारे पर ही हमला करने आ रहा था, अभी चल दिया आराम से।